नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। देश के 3 राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ गिरने से प्रदेश में 7 जिले शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। इन शहरों में न्यूनतम तापमान में ही नहीं, यहां के अधिकतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। देश के किन किन राज्यों में ठंड का प्रकोप जारी है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश के 3 राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिले शीतलहर की गिरफ्त में हैं। प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 3 NH सहित 380 सड़कें बंद हो गई हैं। सबसे ज्यादा असर लाहौल स्पीति जिला में पड़ा है। यहां पर 182 सड़कें बंद हैं, तो वहीं शिमला का अधिकतम तापमान 13 डिग्री से गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप हो गया और यहां 30 जनवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। उधर गंगोत्री मंदिर भी बर्फ से ढक गया है। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बर्फबारी और हल्की बारिश हो रही है। ये सिलसिला 23 से 26 जनवरी तक चल सकता है। 24 और 25 जनवरी को पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद ठंड और बढ़ने की संभावना है। तो उधर मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। ज्यादातर शहरों में रात का पारा 8 डिग्री के पार आ गया है। दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 3 दिन तक ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के 15 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। अभी कोहरा भी बना हुआ है। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। कानपुर में ठंड में थोड़ी राहत मिलने के बाद भी मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में हार्ट अटैक से 4, तो ब्रेन स्ट्रोक से 3 मरीजों की मौत हो गई। इसी तरह हैलेट में ब्रेन स्ट्रोक से 3 मरीजों की मौत हो गई। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी गई। हरियाणा और पंजाब के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंबाला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर दिल्ली में ठंड और कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स की उड़ान में देरी हुई। बहरहाल ठंड को लेकर शासन और प्रशासन हर राज्य में पूरी तरह से अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।